माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत ही समस्या को लेकर के इस सदन में मैं आया हूं और आपने इस समस्या को बोलने के लिए जो समय दिए उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरगुजा एक अति पिछड़ा एवं आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र है, जहां खनिज संपदा का भरमार है। खनिजों के निकासी हेतु सरकार के द्वारा बहुत से कार्य करवाए जा रहे हैं। केवल कोयले की मात्रा पर ध्यान दिया जाए तो हमारा राज्य भारत सरकार में 18% कोयला का योगदान है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे क्षेत्र में निरंतर हर वर्ष रेल यात्रियों की तादाद में भी वृद्धि हो रही है। मेरे क्षेत्रवासियों के लिए मैंने अंबिकापुर से नई दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा प्रारंभ करने हेतु आग्रह कई बार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे द्वारा पिछले 2 वर्ष से लगातार रेल मंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया जा रहा है। माननीय रेल मंत्री जी इस आग्रह के संदर्भ में अंबिकापुर नई दिल्ली रेल नहीं चलाए जाने के कारण से अवगत कराने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, बजट सत्र 2015 और 16 में चिरमिरी बरवा डी रेल लाइन के लिए राशि स्वीकृति होने के बाद भी कार्य रेल लाइन के लिए कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार के द्वारा इस लाइन हेतु कार्य कब तक प्रारंभ करने की योजना है, इससे अवगत होना चाहता हूं। और मेरा एक विशेष आग्रह निवेदन है आपसे कि इसमें अगर रेल प्रारंभ होता है, कहीं और कोई साधन दिल्ली आने के लिए नहीं है, इसमें यूपी, बिहार और झारखंड, ये तीनों राज्य को विशेष रूप से फायदा होगा, इसलिए मैं यहाँ